This is fifth lecture on law of thoughts. अपने previous video lecture में हमने ubi jus ibi remedium के complete concept को detail में समझा, proper notes, proper examples के साथ. हमने ubi jus ibi remedium के essential elements and limitations को भी पढ़ा था. तो हमारी जो overall अंडरस्टैंडिंग है ubi jus ibi remedium को लेकर के, वो हमने क्लियर कर लिया था. आज इस वीडियो में हम ubi jus ibi remedium से रिलेटेड कुछ केस लॉज को डिस्कस करेंगे, और ये वीडियो ubi jus ibi remedium के ऊपर सेकंड और लास्ट लेक्चर है. अपने अब तक के वीडियोज़ में हमने टॉट के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझा. हमने इंजूरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजूरिया और ubi jus ibi remedium के कंसेप्ट को डिटेल में कवर कर लिया है. अगर आप वीडियो में नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, ताकि लॉ ऑफ टॉट्स के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए. चलिए शुरू करते हैं. ubi jus ibi remedium, it is a Latin maxim which is the foundational basis of law of torts. ubi jus ibi remedium ka matlab hota hai where there is violation of private legal rights of an individual, law grants him compensation. जब कभी भी एक पर्सन के प्राइवेट लीगल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो उसे लॉ कॉम्पनसेशन ग्रांट करता है, राइट. तो इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हमने कवर कर लिया है. चलिए कुछ केसेस देखते हैं. सबसे पहला केस है हमारे पास सरदार अमाजित, सरदार अमरजीत सिंह कालरा वर्सेस प्रमोद गुप्ता एंड अदर्स. द कोर्ट हेल्ड दैट द प्रिंसिपल ऑफ ubi jus ibi remedium इज रिकग्नाइज्ड बेसिक प्रिंसिपल थियरी और फिलोसफी ऑफ लॉ. तो कोर्ट ने कहा कि ये जो हमारा ubi jus ibi remedium का प्रिंसिपल है, ये एक रिकग्नाइज्ड प्रिंसिपल है, ये एक फिलोसफी ऑफ लॉ है. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, इट इज़ ड्यूटी ऑफ कोर्ट्स टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द राइट्स ऑफ पार्टीज एंड हेल्प देम इंस्टीड ऑफ डिनाइंग देम रिलीफ. तो कोर्ट ने कहा कि ये कोर्ट्स की ड्यूटी है कि कोर्ट्स क्या करें, पार्टीज के राइट को मेंटेन करें, पार्टीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करें इंस्टीड ऑफ डिनाइंग देम रिलीफ. तो कोर्ट ये इंश्योर करें कि अगर पार्टीज के लीगल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है तो उन्हें रिलीफ प्रोवाइड किया जाए, कॉम्पनसेशन दिया जाए. तो एक ये केस है सरदार अमरजीत सिंह कालरा वर्सेस प्रमोद गुप्ता एंड अदर्स. अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां अभी के लिए 18 मेंबर्स इससे जुड़े हुए हैं, राइट. अब दूसरा केस है एस बी वर्सेस वाइट. अपने पहले लेक्चर में हमने एस बी वर्सेस वाइट इस केस को डिटेल में समझा था, और हमने ये जाना कि एस बी वर्सेस वाइट केस में दो प्रिंसिपल्स को इवॉल्व किया गया. पहला इंजूरिया साइन डैमन, और दूसरा ubi jus ibi remedium.
तो इसका मतलब ये है कि अगर हमसे इंजूरिया साइन जामनम को डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन आता है तो हम वहाँ एसबी वर्सेस वॉइट केस को रेफर कर सकते हैं, और अगर ओबी जस एबी रेमेडियम आता है तो वहाँ भी हम एसबी वर्सेस वॉइट केस को रेफर कर सकते हैं। अच्छा, ये केस क्या था? तो दिस इज अ लीडिंग केस ऑन इंजूरिया साइन डैमनम। इसमें हुआ ये था कि जो एसबी था ही वाज अ प्लेंटिफ, वॉइट वाज डिफेंडेंट। वॉइट एक पुलिस ऑफिसर था जिसने एसबी को राइट टू कास्ट वोट से रोका था, और इसी बात को लेकर के एसबी ने वॉइट के अगेंस्ट एक सूट फाइल कर दिया। अपने डिफेंस में वॉइट ने कहा कि क्योंकि एसबी को कोई फिजिकल इंजरी, कोई फिजिकल लॉस नहीं हुआ है, सो आई एम नॉट लाइबल टू पे कॉम्पनसेशन टू एसबी। एसबी ने ये कहा कि क्योंकि देर इज वॉयलेशन ऑफ लीगल इंजरी, देर इज वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट्स ऑफ एसबी, क्योंकि राइट टू कास्ट वोट एक लीगल राइट है, और वॉइट ने एसबी को वोट डालने से रोका, अपने वोट डालने के अधिकार को उपयोग करने से रोका है, इसलिए आई एम लाइबल टू गेट कॉम्पनसेशन। लोअर कोर्ट ने कॉम्पनसेशन अवार्ड किया और कहा कि भले ही एसबी को कोई फिजिकल डैमेज या फिजिकल लॉस नहीं हुआ है, लेकिन बिकॉज देयर इज लीगल इंजरी, इसलिए एसबी इज लाइबल टू गेट कॉम्पनसेशन, और कोर्ट एसबी को 5 pounds का कॉम्पनसेशन ग्रांट करती है। ठीक है, तो ये था केस एसबी वर्सेस वॉइट। अच्छा, तीसरा केस है हमारे पास डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। मिस्टर डीके बसु हु वाज वर्किंग एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इन लीगल एड सर्विसेज। मिस्टर डीके बसु जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पे कार्यरत थे लीगल एड सर्विसेज वेस्ट बंगाल में, एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे रजिस्टर्ड किया गया था 26 अगस्त 1986 को अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। डीके बसु रोट अ लेटर एड्रेसिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। डीके बसु ने एक लेटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एड्रेस करते हुए लिखा, जिसमें उन्होंने सीजीआई को कुछ न्यूज़ के बारे में बताया, अबाउट सर्टेन न्यूज़ दैट वॉज पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, नेमली द इंडियन एक्सप्रेस एंड टेलीग्राफ, रिगार्डिंग डेथ ऑफ पर्सन्स इन पुलिस लॉकअप्स एंड कस्टडी। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एड्रेस करते हुए डीके बसु ने एक न्यूज़पेपर की कटिंग भेजी, जिसमें जो डेथ्स हैं, डेथ ऑफ डिटेन पर्सन्स इन पुलिस कस्टडी और लॉकअप्स, तो उनके बारे में था। आफ्टर हियरिंग दिस केस सुप्रीम कोर्ट इशूड गाइडलाइंस विच आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड ड्यूरिंग अरेस्ट ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन। इस केस को सुनने के बाद पुलिस लॉकअप्स में, पुलिस कस्टडी में जो नंबर ऑफ डेथ्स थे उन पर ध्यान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू किया विच आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड ड्यूरिंग अरेस्ट ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन। जिन गाइडलाइंस को पुलिस ऑफिसर को किसी एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट करते समय ध्यान में रखना है, उनका पालन करना है। कोर्ट फर्दर स्टेटेड दैट मेयर डिक्लेरेशन ऑफ वॉयलेशन इन पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी इज अ लीगल रॉन्ग
and does not provide any remedy to the victim or family of victim on death of victim. Only giving punishment to victim is not sufficient. To file a civil suit for compensation is legal process, and compensation should be provided to persons who sustained injuries. The quantum of compensation should be decided considering the circumstances of the cases. इसमें कहा गया कि अगर किसी person का पुलिस लॉकअप में या पुलिस कस्टडी में ड्यूरिंग इंटरोगेशन डेथ होता है तो उसे कॉम्पनसेशन देना चाहिए, और पुलिस ऑफिसर को भी किसी एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करते समय इन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो इट इज वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये था डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस. तीसरा केस है भीम सिंह एमएलए वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसे हमने इंजूरिया साइन जामनम इस टॉपिक को पढ़ते समय हमने कवर किया था. इसमें भी क्या था, जो भीम सिंह थे ही वॉज एमएलए, और इन्हें जो है किसी सेडिशियस किसी फॉल्स स्पीच में इन्हें एक्यूज माना गया और पुलिस ने इन्हें डिटेन कर लिया, और उसी समय इन्हें पार्लियामेंट में वोट देना था. तो इनके वोट देने के अधिकार को वॉयलेट किया गया था, तो इन्होंने भी कोर्ट में चैलेंज किया और उन्हें कॉम्पनसेशन मिला था. तो दीज आर सम केसेस रिलेटिंग टू ओबी जस ईबी रेमेडियम. सरदार अमरजीत सिंह कालेराव वर्सेस प्रमोद गुप्ता एंड अदर्स, एसबी वर्सेस वाइट, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, और लास्ट में भीम सिंह एमएलए वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ओवरऑल इन कंक्लूजन अगर हम बात करें ओबी जस ईबी रेमेडियम क्या है, तो बेसिकली एक मैक्सिम है जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स के इमर्जेंस को लेकर के है, और इसमें ये कहा गया है कि जब कभी भी किसी पर्सन के लीगल राइट्स का वॉयलेशन होगा वहाँ पर उसे रेमेडी दिया जाएगा. राइट. अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम व्हाट आर द डिफेंसेस अवेलेबल अगेंस्ट लॉ ऑफ टॉर्ट्स इस पर्टिकुलर टॉपिक से डील करेंगे, जिसमें हम वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, एक्स टर्पी कौसा, नॉन ओरिटल एक्सियो, इनएविटेबल एक्सीडेंट, एक्ट ऑफ गॉड, प्राइवेट डिफेंस, स्टैचुटरी अथॉरिटी, नेसेसिटी. विच मीन्स कि जो डिफेंडेंट है वो किन केसेस में कॉम्पनसेशन देने से बच सकता है, डिफेंडेंट कौन कौन से डिफेंसेस ले सकता है. राइट. तो आई होप कि आज का ये जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे अपने डाउट्स मैसेज कर सकते हो, वहीं पे सारे नोट्स सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे. अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.